IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में। आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ बचपन पर बातचीत करेंगे। साथियों, इसके सहारे शायद हम अपने बचपन पर भी बात करें। आपने बहुत से लोगों के बचपन के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में, गांधी जी के बचपन के बारे में, विवेकानंद जी के बचपन के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में बहुत सी बचपन की कहानियाँ पढ़ी होंगी। और देखिए कि कृष्णा सोबती, जिसके बचपन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक बड़ी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो आज जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज जिस बचपन के बारे में वो बात कर रही हैं उनसे इसमें क्या फर्क है, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। साथियों, आज मेरे साथ तनीषा बैठी हुई है। तो तनीषा से मैं जानना चाहूंगी कि तनीषा, तुम बताओ कि 2-3 साल पहले तुम अगर खान पान तुम्हारा क्या बदला है, क्या आज और पहले में क्या पहनावा ओढ़ावा बदला है, क्या तुम्हारी पसंद बदली है, इन तीनों चीजों के बारे में थोड़ी सी बताओ तनीषा। मेरे बचपन में पहले तो पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, अब मैं जीन्स टॉप पहनने लग गई। पहले बहुत कुछ खेला करती थी, अब खेलने से रोका जाता है, कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता है। अब खान पान में भी बदलाव आया, जैसे पहले चाउमीन बर्गर इतना नहीं मिलता था, पर इतना अब मिलना लग गया है। तो ये सब बदलाव आए हैं मेरे बचपन में। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगता है ये बदलाव? हाँ जी, अच्छा लगता है। हाँ जी। चलो आज अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में। साथियों, कृष्णा सोबती का एक कार्यक्रम है जो आप सभी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा कृष्णा सोबती से हमारे बच्चों ने कुछ बातें की हैं, उनकी पसंद के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके लेखन के बारे में, वो सुन लीजिए और फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। उसके बाद आप ये ज़्यादा जान पाएंगे कि कृष्णा सोबती जो यहाँ बचपन के बारे में कह रही हैं उससे कहाँ तक आज भी उनकी स्मृतियों में वह समाया हुआ है, कहाँ तक वह दिखाई पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि किस पूरे पाठ में किन किन बातों पर लेखिका ने जोर दिया है। आपको ध्यान होगा, आप पाठ तो पढ़ के आए होंगे और जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हुए आप ध्यान करिए कि पहले शुरुआत कहाँ से की है। शुरुआत में ही वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, ये यहाँ जितने रिश्तों की बातें इन्होंने की हैं, ये सारे रिश्ते किसी एक व्यक्ति में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है कि लेखिका का व्यक्तित्व काफी दिलचस्प है ना तनीषा? हाँ जी। जरूर उनमें कुछ खास बात है, तभी तो उनमें जीजी भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें बुआ भी दिखाई पड़ती हैं, उनमें दादी भी, उनमें नानी भी, कुछ भी हो सकती है, मौसी भी, और दोस्तों के साथ दोस्त, आपकी दोस्त भी हो सकती हैं। हाँ जी। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का तुरंत पहली ही पंक्ति में उन्होंने परिचय दे दिया है कि जो सबके साथ घुल मिल करके उसके जैसा हो जाने वाला होता है। शुरुआत उन्होंने यहाँ से की है। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करते हुए तुरंत वो आ गई हैं कि आज जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, आज जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, लगता है जैसे थोड़ी बूढ़ी हो रही हैं, थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है, एहसास होता है ना थोड़ा सा। फिर अचानक याद आता है कि ऐसा भी नहीं है। उन्हें स्मृतियों में याद आता है कि एक समय था जब वो फ्रॉक पहना करती थी, जब वो लहंगे पहना करती थी, जब वो घाघरा पहना करती थी, स्कर्ट पहना करती थी। और उनको जैसे ही हम बचपन के बारे में याद करते हैं ना, हम थोड़े और नए हो जाते हैं, थोड़े और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही हम बचपन के बारे में सोचते हैं वैसे ही थोड़ा और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना, थोड़ा कूदना, खेलना, मस्ती। तुमने कहा ना कि अब हमें खेलने को नहीं मिलता है, मना किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता से भी मैं आग्रह करूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, खेलने दीजिए बच्चों को बाकायदा। और ये बचपन फिर लौट के नहीं आता है, बचपन तो एक बार गया तो गया, सिर्फ स्मृतियों में रह जाएगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ में, अनुच्छेद में, जिसको हम लोग कहें कि लेखिका ने अपने पहनावे ओढ़ावे का जिक्र किया है। अब इस पहनावे ओढ़ावे को पढ़ करके, सुन करके आपको लगता होगा कि ऐसा लगता है कि आज तो ये सारे ड्रेस
ओकेजनली पहनते हैं हम लोग, किसी किसी खास उत्सव पर पहनते हैं, किसी की शादी में। अब वो समय चला गया जब सहज ढंग से इसको हम पहनते रहे हो। तो यानी पहनावे ओढ़ावे में जो इतना बदलाव आया है उसकी तरफ ध्यान दिलाती है लेखिका। तो ऐसा पहनावे ओढ़ावे में जो बदलाव आया है उसकी ओर हमारा ध्यान ले जाती है। और सच पूछिए तो बच्चों, आप लोगों को तो एक परियोजना भी ऐसा करना ही चाहिए कि आखिर किन दशकों में कौन से कपड़े ज़्यादा मशहूर रहे हैं, और बच्चे का क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस राज्य के बच्चे क्या कपड़े पहनते रहे हैं, किस देश के बच्चे भी आगे जाया जा सकता है, पहले राज्य तक करिए बात। तो आप पहनावे ओढ़ावे पर एक बाकायदा एक परियोजना कार्य कर सकते हैं, और अपने इस परियोजना कार्य में अपनी फाइल में जो आप फाइल बनाएं उस फाइल में बाकायदा अपने से कटिंग करके कुछ कपड़ों को वहाँ लगा भी सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो आपको कपड़ों की जानकारी हो पाएगी। और एक और बात कहूँगी तनिषा, जब कपड़ों के बारे में करना ना, कपड़ों लगाना अपनी फाइल में, तो ये भी ध्यान रखना कि जो कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, बहुत सारे कपड़े, तरह तरह के कपड़े होते हैं ना, तो वो कौन से कपड़े किस मौसम में पहना जाता है, आप बाकायदा ज्योग्राफी की भी जानकारी भी कर लेंगी किस राज्य का है, और मौसम के साथ साथ आप बाकायदा साइंस को भी जान पाएंगी, काफी कुछ जान पाएंगी। तो कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, यह भी आप जान पाएंगी। तो वह भी उसमें चिपका करके, छू करके जानिए कि कैसा उसका स्पर्श होगा, तो वह कपड़ा किस राज्य में और किस समय में पहना जाता होगा, कहाँ बनता है। हथकरघे की भी दौरा कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कुछ समय बाद आप चाहें तो देख सकते हैं, और ना सही तो आप वेबसाइट पर जा कर के देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट पर जा कर के देखिए, हथकरघों के बारे में जानिए कि हथकरघा के बाद अब क्या पावरलूम आ चुका है, अब बदल गया है ना, टेरेलिन के कपड़े जो तुम पहनते हो वो बदल गया है, पहले हाथ से बनते थे कपड़े। तो कपड़ों के बारे में पूरी एक जर्नी, पूरी एक यात्रा बाकायदा आप लिख सकते हो, एक परियोजना कार्य में कर सकते हो अपने। फिर दूसरे अंश में आप आए तो लेखिका सिर्फ कपड़ों तक नहीं सीमित रहती हैं, कपड़ों की देखरेख कैसे करती थी बचपन में ये लोग, जूते पहनते थे तो जूतों की देखरेख कैसे करते थे, इसका भी जिक्र आता है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि तुम लोग भी शायद अपने कपड़ों की देखरेख खुद करते होगे, या तुम्हारी माँ करती है, कौन करता है? मम्मी कभी हम। अच्छा, तो लेकिन अपने से करना चाहिए अपने कपड़ों की देखरेख। लेखिका ने खास तौर से जोर दिया है कि अपने मोजे धोना, अपने जूते पॉलिश करना, ये हमारा खुद का काम होता था, कोई और में हमारी सहायता इसमें नहीं करता था। तो ये बात जोर देकर लेखिका यहाँ पर कह रही हैं, हम बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए ही तो कह रही हैं। तो आप बाकायदा, ये लोग खुद काम करते थे, हाथ से काम करते थे, कोई इनका सहायक नहीं इसमें साथ देता था, ना तो मम्मी पापा, वो खुद से काम करते थे, खुद से उसको किसी देख रेख करते थे, और कैसे देख रेख करते थे इसका भी जिक्र आया। और जैसे ही जूते उनके हाथ में आए लेखिका के, उनको तुरंत ध्यान आया कि ये जूते जब हम लोग पहनते हैं तो कभी कभी तो ये काटते हैं, कभी कभी तो एक आवाज सी होती है, चुरचुर की आवाज होती है। फिर वो कहती है कि पिछले जमाने में जब हम लोग जूते पहनकर चलते थे तो क्या करते थे, हाथों में रुई लेकर चले जाते थे ताकि जब कभी काटे जूते तो हम उसमें लगा लें। आप भी ऐसा करती हैं? नहीं, एकदम से एक एक करके जब उनको ध्यान आता है कपड़ों का और आज और पुराने में क्या अंतर था, वो तुरंत करती चली जाती हैं। फिर से उनको याद आता है कि एक हमारे जमाने में मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे, ग्रामोफोन। देखा है आपने ग्रामोफोन? अब इस जमाने में नहीं है वो। अरे है, अभी भी आपको म्यूजियम में भी दिखाई पड़ेंगे, कुछ शौकीन लोग अपने घरों में भी रखते हैं, आज भी रखते हैं, और बहुत जो बहुत ही शौकीन लोग हैं वो लोग ग्रामोफोन रख रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से शोपीस की तरह हमारे पास रहता है, ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं होता है, कम लोग उसका प्रयोग करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ग्रामोफोन हुआ करता था, आज क्या हो गया है उसकी जगह पर? आजकल फोन होने लग गए, टीवी होने लग गए, रेडियो हो गए, लैपटॉप हो गए, टैब हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत कुछ हो चुका है। तो बहुत से मनोरंजन के साधन आज हो चुके हैं, इन मनोरंजन के साधनों के साथ और पहले के मनोरंजन की तुलना किया जाए साधनों की, तो बहुत कम हुआ करता था। वो थोड़े से संगीत हम लोग सुन लिया करते थे ग्रामोफोन पर, ऐसा लेखिका कहती हैं। तो एकदम से क्या अंतर आया है मनोरंजन की दुनिया में, उस पर भी हमारा ध्यान दिलाती चली जाती हैं।
आप चाहो तो इस यात्रा को भी बाकायदा लिख सकते हो, यानी मनोरंजन की यात्रा, यानी संगीत की दुनिया की यात्रा। तो आप जानने की कोशिश करो कि पहले कैसा होता था और आज कैसा होता था, उसमें तकनीकी परिवर्तन कैसा आया है, और उसमें अगर देखा जाए तो लेखन में कैसा, गीतों के लेखन में कैसा परिवर्तन आया है, संगीत में कैसा परिवर्तन आया है। चाहो तो आप लोगों से बातचीत भी कर सकते हो, संगीत की दुनिया में रहने वाले लोगों से आप लोग बात भी करो और इसको करो। इससे आपको बहुत से क्षेत्रों की जानकारी होगी, केवल हिंदी, केवल भाषा के बारे में नहीं, बल्कि भाषा के जरिए आप संगीत की ओर जा सकते हैं, आप बाकायदा बहुत सी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो ये भी वो आगे करती चली जाती। फिर वो आ जाती है खान पान पर। खान पान में उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए हैं, आपको याद होगा, मुंह में पानी आ रहा है ना। कुल्फी की बात करती हैं, वो कहती हैं कि पहले कुल्फी हुआ करता था, आज आइसक्रीम हो गया है, लेकिन आपको याद होगा कि आज भी कुल्फी चलती है, बहुत फर्क नहीं आया है। कम से कम खान पान में कुछ चीजें आज हमारे यहाँ एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा कि पुरानी चीजें भी बाकायदा शौक से वो लोग उसको खाते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कुल्फी का जिक्र किया है इन्होंने कि कुल्फी हुआ करती थी और आज हमारे यहाँ आइसक्रीम होता है, लेकिन शरबतों में बदलाव आ गया है। आज तुम क्या पीते हो गर्मियों में? कोक पीते, पेप्सी पीते, पर पिछले जमाने में कोक की जगह शरबत होया करते थे, खसखस का। तुम्हें कैसे पता कि शरबत होया करते थे? अब भी पीते हो? नहीं, अब तो नहीं पीते। हाँ, तो ये लेखिका ने भी वर्णन किया है कि फालसे के शरबत हुआ करते थे, बहुत सारे शरबत, तरह तरह के शरबत हुआ करते थे, और उन शरबत को पीते थे पहले बाकायदा। कोक और पेप्सी पहले नहीं हुआ करता था, इस तरह की चीजें पहले नहीं हुआ करती थी। तो एक अंतर जो आया है और कैसे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम सिर्फ वो पीते हैं और यह पीते हैं शरबत, तो दोनों में स्वास्थ्य में क्या अंतर आता है, उसका भी जिक्र करती चली जाती हैं। फिर एकदम से लेखिका आती है और कहती है शिमला में रहती थी, उनका पूरा बचपन शिमला में बीता, तो शिमला की पहाड़ियों का जिक्र करती हैं, साथ ही उन रास्तों का जिक्र करती हैं कि कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों और कैसे ऊंचा नीचा रास्ता हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रास्तों का जिक्र करती है ना तनिषा, उनको एकदम से उनको ध्यान आता है कि उन रास्तों में बहुत से ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिन पे तरह तरह के फल लगा करते थे, जिनके अब नाम भी हम लोगों के लिए बिल्कुल नए हैं। जैसे उन्होंने कसमल फल का जिक्र किया है। कसमल जानती हैं आप कसमल क्या होता है? एक तरह की रसभरी है। रसभरी के नाम से आप जानते हो ना, रास्ते में आप लोग रसभरी खाते हो, तो रसभरी एक तरह का। तो नए नए शब्दावले भी आ रही है इनके यहाँ कि किसी खास क्षेत्र में किसी के लिए रसभरी के लिए क्या शब्द चलता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अगर दक्षिण भारत की लड़की कोई आपकी फ्रेंड है, मित्र है, तो आप उससे जानने की कोशिश करो कि इसके लिए उनके यहाँ क्या शब्द है, क्या ये फल उनके यहाँ मिलता है क्या, अगर मिलता है तो क्या नाम है। तो ये सारे नाम अगर इकट्ठे करोगे ना, तो आप बहुत सी भाषाएं जान पाओगे, बहुत सी भाषाएं की भाषाओं के शब्द जान पाओगे, उनका खान पान जान पाओगे, उनका रहन सहन जान पाओगे। तो वह भी कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे तुम्हारी मित्रता भी अच्छी हो जाएगी निश्चित रूप से, है ना। तुम्हारे दोस्त के साथ मित्रता भी अच्छी होगी और उनके साथ खान पान के भी शेयर कर पाओगे। और साथ ही इनमें एक और शब्द आया है, काफल। काफल आप पता नहीं, आप नहीं जानती होगी, मेरा ख्याल है दोस्तों नहीं जानते होगे। एक तरह का फल होता है। फल तो होता है, लेकिन इसका हम लोग आज क्या कहते हैं? सैतूस। अच्छा, बेबेरी। जी बिल्कुल, जी जिसको हम लोग बेबेरी भी कहते हैं। बहुत अच्छा। तो इसको जानने की कोशिश करो कि अलग अलग भाषाओं में जो आपके साथी बैठे हैं, अलग अलग भाषाओं के, वो साथी इन शब्दों को क्या कहते हैं, क्या उनके यहाँ क्या नाम है इसके लिए। तो एक बार जरा सा जरूर जानने की, आपके पास एक पूरा शब्द भंडार हो जाएगा और एक ही खाने की चीज़ के लिए अलग अलग नाम जो हमारे देश में मशहूर हैं, अलग अलग राज्यों में, वो भी आप इकट्ठा कर सकोगे, आप बहुत कुछ जान पाओगे। तो इसको जरूर करना साथियों। एक और जिक्र आया है, चेस्टनट। चेस्टनट सुना है? इस जमाने में तो नहीं सुना, देखा नहीं होगा। वॉलनट सुना होगा, अखरोट सुना होगा। हाँ, अखरोट। तो अखरोट की तरह का एक फल होता है चेस्टनट। ये सब पेड़ उन्होंने शिमला की पहाड़ियों में देखे, रास्ते में घूमते हुए, तोड़ कर खाते हुए, जो मस्ती की है उस मस्ती को याद कर रही हैं। और मस्ती को याद करते करते लेखिका अनजाने में ही हमें पूरा का पूरा उन फलों का परिचय देती चलती है कि कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से नट्स हैं जो उस क्षेत्र में हो रहे हैं,
होते थे और आज हमें किस नाम से हम उनको जानते हैं, आज अलग अलग राज्यों में किस नाम से हम उसे जानते हैं, ये भी वो कहीं बताती जाती है और ये भी बताती चलती हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, ये भी बात है। आपको अखरोट हर जगह तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, हर जगह नहीं होंगे, तो वो पहाड़ियों पर होते हैं तो ये अखरोट हर जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, अखरोट की तरह के ये फल भी हर जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो यह भी हमें पता चलता जाता है कि ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत आप जानते चले जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से फल होते हैं, कौन से खान पान होते हैं, यह भी पता चलता है। फिर साथ में चने जोर गरम का जिक्र करती है, एकदम से कहती है कि हम लोग चने जोर गरम खाते थे, उसके सामने ही जब हम लोग रास्ते से गुजरते थे तो रास्तों से आगे जब हम चर्च जाखू की पहाड़ियों पर पहुंचते थे तो जाखू की पहाड़ियों पर चर्च दिखाई पड़ता था, उसके सामने ही एक स्कैंडल पॉइंट हुआ करता था शिमला में, तो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने कुछ दुकानें हुआ करती थी, उन दुकानों में क्या हुआ करता था उसका जिक्र करती है। सबसे पहले तो उनको ध्यान आता है कि हम जब उन सड़कों पर चलते थे, रास्ते पर चलते थे तो क्या खाती थी, चने जोर गरम। अच्छा, चने जोर गरम किस चीज में खाते हो, ध्यान है आपको, कागज का एक कागज की पुड़िया बना के खाते हैं। हाँ, और कागज की पुड़िया का शेप कैसा होता है, वो गोल होता है और नीचे से ना मुड़ जाता है, ये खुद हाथों से बना लेते हैं। हाथ से बनाते, कागज से बनते हैं, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। कितना सुंदर है कि आप खान पान के लिए आप बिल्कुल हाथ से बना हुआ, बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से एक कागज जो कि रद्दी कागज जिसको हम लोग रद्दी में फेंकने जाते हैं, उन कागजों से बाकायदा कोने बन जाते हैं और वो भी कितनी सहूलियत से, कितनी वैज्ञानिक ढंग से कि ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, आसानी से उसमें से आप दाने निकाल लो। और फिर लेखिका एक बहुत सुंदर बात करती है, वो कहती है कि जब हम वो खाते हुए चलते थे ना तो हमारी चाल बदल जाती थी। तुम भी जब मस्ती में अपने साथियों के साथ खाते हुए, दोस्तों ध्यान रखना कि सामान्य ढंग से चलना, बिल्कुल बिना निष्फिक्र होकर, जिसको कहते हैं निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर निश्चिंत होकर चलना और ऐसे चलना कि स्कूल जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो, दोनों चाल में फर्क होता है। आज से जरा ये भी ध्यान देना शुरू कर देना कि लोग चलते हैं तो कब कौन सी चाल है, आप बिना समझे बिना पूछे उनसे जान जाओगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी चाल को देखकर समझ पाओगे कि उनके भाव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, सब कुछ आप समझ पाओगे, उसका भी जिक्र यहाँ पर लेखिका ने किया है। और साथ ही उन्होंने आगे चलती हैं, बाजार देखती हैं, दुकान के सामने में क्या बिकता है, तो एकदम से उन्हें याद आता है कि उस दुकान में रेल का जो उस जमाने में जो टॉय ट्रेन चलती है ना, खिलौना गाड़ी एक चलती है वहाँ पर शिमला में, जो कालका से लेकर के शिमला तक जाती है, तो वो बाकायदा एक छोटी सी ट्रेन होती है और कई उसकी नहर टनल के बीच से जाती है, गुफाओं के बीच से जाती है, तो वैसा ही एक मॉडल भी पहले बहुत बिकता था, क्योंकि वो शुरुआत थी ना, तो शुरुआत के समय मॉडल भी बहुत अच्छे से बिकता था, लोग उसको पसंद करते थे, तो लेखिका उसका जिक्र करती हैं। जैसे ही ट्रेन का जिक्र करती हैं तो वो कहती हैं कि पहले वही हमें हवाई जहाज की तरह लगा करता था, उसकी गति हमें लगता था इतनी तेज, और आज आप जब उस खिलौने गाड़ी में चढ़ोगे ना बच्चों, तो आप देखोगे, आप चढ़े भी होंगे, आपको पता होगा कि आज लगता है कि हमें कितनी धीमी चल रही है, लेकिन फिर भी वो रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि गति अपने आप बढ़ जाती है। तो उसके बाद हवाई जहाज का जिक्र करती है कि बहुत इक्के दुक्के चला करते थे, ज्यादा नहीं चलते थे। एकदम उसके बाद लेखिका आ जाती है कि जब बाजार की बात करती है तो बाजार में उनका ध्यान जाता है कि बाजार में तो चश्मे की दुकान भी होती थी, है ना, और चश्मे की यहाँ की दुकान में जब जाती हैं, जैसे ही चश्मा का दुकान उनको याद आता है, तो उनको याद आता है कि उनको एक चचेरा उनका भाई हुआ करता था, भाई वो क्या करता था, वो ने चढ़ाया करता था, क्या चढ़ाता था, सूरत बनी लंगूर की, पढ़ो जरा बताओ क्या है, आँख पर लगाए चश्मा तिनका सूरत बनी लंगूर की, ये लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ठीक है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जैसे भाई बहन आपस में चिढ़ाते हैं उसका भी जिक्र किया है इन्होंने, और खास तौर से चश्मिश कह करके तो सब लोग चिढ़ाते हैं, तो आपको पता होगा, लेकिन उन्होंने एक कविता ही बना दी। पहले के जमाने में साथियों आपको ध्यान होगा कि जैसे ही हम एक दूसरे को चिढ़ाते थे ना तो कविताएं बना देते थे, खेल खेल में कविताएं बना देते थे, तो ये एक बहुत बढ़िया परंपरा थी। आप भी जरा याद करो, आज क्या आप लोग खेलते हो तो ऐसा कुछ करते हो, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कविताओं की पंक्तियां तुकबंदियां करते हो क्या, करने की कोशिश करो, क्योंकि आप शब्दों से खेलोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, आप शब्दों से
खेलते हुए पूरी दुनिया को जान पाओगे, तो इसलिए पूरी शब्दों की दुनिया को जान पाओगे। तो इसलिए साथियों एक बार करके देखना, बहुत मजेदार सी कविता का जिक्र इन्होंने किया है कि आंख पर चश्मा लगाए। उन दिनों तो लेखिका को बहुत बुरा लगता था, जाकर उन्होंने शीशे में अपने देखो आईना में देखा अपने को और कहा इतनी भी बुरी नहीं लगती हूँ मैं चश्मा लगा करके। फिर बाद में वो कहती हैं कि चश्मा आज मेरी सूरत का हिस्सा बन चुका है, मेरे चेहरे का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, इसे हटाया नहीं जा सकता है। जैसे मेरी आंखें हैं, मेरे नाक है, मेरे कान है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे सूरत पर यह चश्मा फिक्स हो चुका है। अब उनको चश्मा कैसे पढ़ने लगी, कैसे उन्होंने एक बहुत बढ़िया और भी जिक्र किया है कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा था कि आप धीरे थोड़े दिन लगाओ चश्मे उतर जाएंगे, लेकिन कभी नहीं उतरा। फिर लेखिका ये भी कहती है कि न उतरने का कारण ये भी है कि मैं बहुत मध्यम रोशनी में पढ़ती थी, यानी मध्यम रोशनी में नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, तेज रोशनी, अच्छी रोशनी में पढ़ो, हमेशा अच्छी रोशनी में पढ़ो तो आपकी आंख ठीक रहेगी। तो अपनी आंखों को खराब करने का जिम्मेवार वो खुद को ही बताती हैं। फिर उनका जिक्र आता है लास्ट जो अंतिम है, उसमें वो कहती हैं कि टोपी पहन करके मुझे चलना उन दिनों बहुत खराब लगता था, लेकिन आज टोपियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहले शुरुआत में और बाद में कितना अंतर आ जाता है, पहले जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो बाद में अच्छी लगने लगती है। आप खुद भी 3-3 साल के अंतर में बच्चों आप लोग देखिएगा कि आपकी पसंद बदल रही है, जो पहले पसंद नहीं आती थी वो अच्छी लगने लगी, जो आज अच्छी लग रही हो सकता है कल को फिर खराब लगने लगे। तो इसलिए इसमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कोई स्थायी चीज़ नहीं होती है, हमेशा हम धीरे 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 अपनी पसंद बनती है और बाद में चल करके एक ऐसी पसंद बन जाती है, बहुत बड़े होते हैं तब जा करके, जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है। लेकिन बुढ़ापे में रंग अपने कम हल्के रंग पसंद आने लगते हैं, लेखिका ने भी जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ आप बाकायदा एक यात्रा कर सकते हो, खान पान का, रहन सहन का, कपड़ों का, भूगोल का, बाकायदा एक यात्रा कर सकते हो। इस पर एक परियोजना जरूर करना, आप नेट के सहारे थोड़ा सा आप इंटरनेट का सहारा लीजिए और अपने साथियों से बात करिए। ना सहे आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने साथियों से जिक्र करिए, साथियों से चर्चा करिए, माँ बाप से चर्चा करिए। मोहल्ले में तरह तरह के लोग रहते हैं, एक मोहल्ले में एक ही क्षेत्र के लोग नहीं रहते हैं, कई क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनसे जानकारी हासिल करिए और पुरानी किताबों से भी थोड़ी जानकारी हासिल करिए, पत्रिकाओं से जानकारी हासिल करिए। बहुत सी पत्रिकाएं भी हमारे सामने अभी आजकल हम लोगों को पढ़ने को मिल जाती हैं, तो उन पत्रिकाओं का, अभी तो गांधी का एक बहुत ही किताब आई है गांधी के बचपन पर, एक था मोहन, उसको बच्चों पढ़ना, बहुत सुंदर तरीके से। और बचपन में गांधी भी शरारत करते थे, जैसे कृष्णा सोबती ने कहा है ना, शरारत करना, हर कोई शरारत करता है, लगता है कि जो बड़ा हो गया, जो महान व्यक्ति हो गया, वो कभी शरारत नहीं करता था, ऐसा नहीं है, सबका बचपन एक जैसा होता है और हर कोई बचपन में खेल करता है, शरारत करता है, लेकिन लेखिका कुछ और भी करती हैं, उन ओर उन तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं, अवलोकन करती हैं, जो रास्तों में उन्हें दिखाई पड़ता है उसको देखती हैं, बाकायदा उसके नाम से पहचानने की कोशिश करती हैं, जो एक तरह की सृजनात्मकता है। साथियों आप भी ऐसा करना, तो ये ज़रूर करना। मैं थोड़े से कुछ भाषा पर बात कर लूँ तुमसे, तुम बता सकोगी इसमें कुछ चीज़ें आई हैं। अब जैसे मारना से मार बनता है, है ना, काटना से क्या बनेगा, काट, पलटना, पलट पलट, ये सुना होगा, डायलॉग भी बहुत ज़्यादा कविता में है ना, पलट। तो एकदम से पलटना से पलट, फिर सीखना से क्या सीख, बनेगा सीख, हड़प से हड़पना से हड़पना। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर, ये क्या है, इसको क्या कहोगे तुम, इन प्रयोगों को क्या कहा जाएगा, ये परिमाणवाचक, परिमाणवाचक संज्ञा है ना। तो अब इनको इसमें विशेषण भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब जैसे मैं तुमको एक वाक्य पढ़ती हूँ, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें क्या है बताओ, 2 दर्जन, ये 2 दर्जन क्या है, वो संधिवाचक नहीं नहीं, ये विशेषण है, लेकिन कैसा है, कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक, यानी जो संख्या को बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से कपड़ों में जो इन्होंने कहा ना कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां शब्द इसमें आया है ना, मेरी मौसी कहा है, तो अब इसमें मेरी क्या है बताओ तो जरा सा, दिलचस्पी, हाँ नहीं नहीं, मेरी क्या है, मेरी सर्वनाम है ना, सर्वनाम
है ना, जो किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मैं संध्या मेरा नाम है, आपका नाम तनिषा है, तो आपके लिए अगर आप जो शब्द प्रयोग कर रही हैं मेरी, है ना, और मैं जो प्रयोग करूंगी सब सर्वनाम है, तो अभी सर्वनामों के लिए दिलचस्पियां जब आई, मेरी दिलचस्पियां, तो दिलचस्पियां क्या हो गई सर्वनाम के साथ जुड़ी, तो इन संज्ञाओं की विशेषता बता रही, विशेषता बता रही है, तो संज्ञाओं की विशेषता बताने वाली है ये। तो साथियों ध्यान दो कि शब्दों में जो शब्द प्रयोग किया गया, अब आप मतलब मेरी दिलचस्पियां मैंने कही, कुछ और शब्द भी हो सकता है, इसके दूसरे शब्द बना करके देखो, दूसरे विशेषण लगा करके देखो, मेरी पसंद, पसंद भी तो आपका विशेषण हो गया ना, मेरा पहनावा, मेरा खान पान, है ना, मेरी चाल, मेरा हालचाल, मेरा ढंग और भी कुछ मेरा उठना, मेरा बैठना। वाह बहुत बढ़िया, तो इस तरह के कुछ विशेषण के खेल करके देखो अपने साथियों से, अपने भाई बहन के साथ ही खेल करके देखो, और आप पाओगे कि आपके पास बहुत सारे शब्दों की दुनिया खड़ी हो गई है, बहुत सारा शब्द भंडार हो चुका है, और इन शब्दों से बाकायदा आप जीवंत अनुच्छेद लिख सकते हो, जीवंत अपने बचपन के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, अपने पिछले जीवन के बारे, पिछले समय के बारे में लिख सकते हो, और अपने माँ बाप के पर भी थोड़ी सी चर्चा कर सकते हो, अपने माता पिता से थोड़ी सी बातें करो, और बातें करके उनके बचपन की बातों को भी लिख दो, हो सकता है आपके माता पिता ना लिख पाते हो, आप लिख दो उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर किसी को जब कोई अपना बचपन याद आता है तो उसे जीने की इच्छा हो जाती है, और ज़्यादा उत्साह आ जाता है जीवन में। तो साथियों आज हमने बचपन पाठ के जरिए, कृष्णा सोपति के बचपन पाठ के जरिए हमने पूरी यात्रा कर ली शिमला की बाकायदा, और शिमला के साथ साथ वहाँ के पहनावे ओढ़ावे खान पान रहन सहन सब कुछ जाना हमने, और लेखिका की आंखों से देखते हुए केवल वही नहीं जाना, हमें अचानक यह भी ध्यान आता रहा साथ साथ जब लेखिका वहाँ के रास्तों का वर्णन कर रही थी, तो एक दिल्ली में रहने वाला बच्चा बाकायदा दिल्ली की सड़कों को देख रहा था उस वक्त, एक नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला बच्चा वहाँ की पहाड़ियों को देख रहा था, दक्षिण भारत में रहने वाला बच्चा वहाँ के मसालों के पेड़ों को देख रहा था, तो बाकायदा हर बच्चा अपना अपना बचपन देख रहा था, इनके बचपन के बहाने अपने बचपन की यात्रा आप सब लोग कर रहे थे, तनिषा आप भी कर रही थी, तो मजा आया आपको इस बचपन के बारे में, है ना, इस बचपन के सहारे आप जब बहुत बड़ी हो जाएंगी तो आप भी इसी तरह का एक अपना बचपन की यादों को ध्यान में रखते हुए, स्मृति को रखते हुए लिखिएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तनिषा आपको आज से ही डायरी लिखनी पड़ेगी जो कुछ आज अच्छा लगता है, जो कुछ आपको बढ़िया दिखाई पड़ता है, अवलोकन करते हैं आप, ऑब्जर्व करते हैं, उन सब को रोजाना डायरी में लिखते चले जाओ, दर्ज करते चले जाओ, और दो चार साल बाद जब अपनी ये डायरी खोलोगे तो तुम्हारे पास बाकायदा कच्चा माल होगा, कुछ भी लिख सकते हो उस पर, यात्रा संस्मरण लिख सकते हो, अपनी स्मृतियां संस्मरण लिख तो लिख ही सकते हो, कहानी लिख सकते हो, कुछ बहुत कुछ लिख सकते हो, तो आज ही से शुरू हो जाओ और लिखो। साथियों आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना बचपन के बारे में, अब इसके सहारे आप बहुत से लोगों के बचपन के बारे में जान सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि गांधी जी ने भी अपने के बचपन के बारे में जानिए, सुभाष चंद्र बोस के बचपन के बारे में जानिए, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन सामान्य लोगों के बचपन के बारे में भी, अपने माता पिता के, अपने साथियों के बचपन के बारे में भी जरूर जानो, और आपको पता चलेगा कि सबके बचपन में कुछ विशेष होता है, सबके बचपन में कुछ बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है, सिर्फ उसका ही ध्यान गया है, तो आप अपने इस बचपन की बातों को डायरी में तो दर्ज कर ही रहे होंगे, तो आज बहुत कुछ हमने जो चर्चा की इन बातों को भी लिखिएगा अपने नोटबुक में, और साथ ही और भी कहानियाँ भी लिखने की कोशिश करिएगा, हम सोचते हैं कि इस पाठ पर और भी आपसे चर्चाएं करते रहेंगे आने वाले समय में, हो सकता है कि कुछ दूसरे दृष्टिकोण से इस पाठ पर हम फिर से चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन आज की चर्चा यहीं खत्म होती है। साथियों अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।